आज मसाला किचन में बन रहे स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। आज मैं बताऊंगी छोले भटूरे हलवाई स्टाइल कैसे होते हैं, और जब कभी हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी हमें भटूरे बनाने का मन हो तब भी हम बना सकें। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। दो टाइप के भटूरे बताऊंगी और छोले भटूरे के साथ कैसे होने चाहिए, खास बात है ये। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है छोले की। छोले तो अक्सर हम कई बार बनाते हैं, छोले गलाते हैं, लेकिन आज हम जब उबालेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे जो हमारे भटूरे वाले जो बाहर मिलते हैं मैशी मैशी से छोले वही बने। तो देखिए, 4 से 5 मुट्ठी मैंने छोले ले लिए, इन्हें मैंने गला दिया। अब छोले को सही रिजल्ट लाने के लिए इसे हमेशा ओवरनाइट ही सोक करना चाहिए। अब जैसे मैंने तो ऑलरेडी पहले बना के रखे हैं, मैं आपको ये बताऊंगी कि इस छोले को मैंने कैसे उबाला है। जब ये ओवरनाइट सोक हो गए थे तब मैंने उबलते टाइम कुकर में डाला और इसमें पानी डाला, नमक डाला, ये तो कॉमन चीज़ है। अब यहाँ पर जो थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाला वो मैंने काला चाय का पानी डाला। ये देखिए, 1 चम्मच जो चाय की पत्ती ली है ना, इसे मैंने पानी में उबाला। पानी में उबालने से हुआ ये कि ये काला पानी चाय का बन गया, और ये पानी जो है ना, काला पानी मैंने छोले के अंदर डाल दिया। छोले में डालने के बाद इसमें मैंने 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाला। यस, ये बेकिंग सोडा इसलिए डाला कि ये जो मैशी मैशी काले से छोले होते हैं भटूरे वाले, वही छोले इसी टाइप से ही बनेंगे। 2 विसल लगा लीजिए, 5-7 मिनट स्लो गैस पे पकाइए, आपके बढ़िया से छोले उबल जाएंगे। तो छोले तो हमने उबाल के रख लिए हैं, अब चलते हैं हलवाई स्टाइल भटूरे को कैसे गूंथें। यहाँ मैंने 2 कप भर के मैदा ले लिया है, आप चाहें तो 1 कप आटा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने प्योर आटे से कैसे भटूरे बनाए जाते हैं वो भी रेसिपी आपको दी है, वो आप वहाँ देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। आप घर में कैसे भटूरे बनाते हैं ये भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए, मैंने मैदे को छान लिया है, मैदे के अंदर तेज़पत्ता निकल रहा है, मैं हमेशा डाल के रखती हूँ जिससे मैदा हमारा ख़राब ना हो। यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार डाल रही हूँ नमक, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, ये दोनों चीज़ें डाल रही हूँ। और यहाँ मैं डाल रही हूँ करीब 3-4 टेबल स्पून भर के दही। दही आप फ्रिज से निकाल के पहले ही रख लीजिए ताकि रूम टेम्परेचर वाला दही होना चाहिए। इन सबको मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून आप शुद्ध घी जरूर डालिए, ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। हल्दीराम के छोले भटूरे होते हैं ना, एक अलग टाइप के खमीरी टाइप के भटूरे, वही भटूरे ये बनने वाले हैं। अब इन सबको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद हल्का गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जैसे हल्का सा गर्म होगा तो बेस्ट रहेगा, पानी से आप गूंथ लीजिए। पहले इसे अच्छे से गूंथ लीजिए, फिर मैं बताऊंगी खास ट्रिक कि हलवाई लोग करते क्या हैं। ये देखिए, सॉफ्ट सा आटा गूंथ लिया है, बिल्कुल टाइट नहीं गूंथना है, और इसे अच्छे से हाथों से मल लीजिए। इसको मल्ली लगाना कहते हैं, ये हलवाई लोग मल्ली लगा के रखते हैं। अब आती है बारी इसे पटकने की। ये देखिए, कम से कम 10 से 12 बार इसे उठा उठा के पटक लीजिए, ये हलवाइयों का राज है। ये इस तरीके से बड़े मेहनत करके आटे को गूंथते हैं और उसे मल्ली लगाना कहते हैं और उसे पटकते हैं, जो उनका रिजल्ट आता है तो भटूरे में अलग से ही दिखता है, बिल्कुल गद्देदार भटूरे बनते हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी, जब कभी हमारे पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनो या दही वगैरह ना हो और अचानक हमें भटूरे बनाने का मन हो, कई बार बच्चे जिद करते हैं कि नहीं छोले बने हैं तो भटूरे ही खाने हैं, तो फिर वो भटूरे कैसे बनाए जाएं इंस्टेंट फटाफट। तो अब देखिए, हमने इसकी मली लगा ली है बहुत अच्छे से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर, ऑयल या घी कुछ भी लगा लीजिए, और 1-2 बार और इसको पटक पटक के बढ़िया सा आटा बना लीजिए। जैसे जैसे इसको पटका जाता है इसमें लोच आता है और ये बहुत ही बढ़िया मैदा तैयार हो जाता है। अब ये 100% फूलेगा और वैसा ही बनेगा। ये देखिए, आटा पटकने से कितना बढ़िया सा हो गया। अब इसका लोई बनाने का तरीका,
ये देखिए, इस तरीके से इसकी लोई बना लीजिए। जैसे मार्केट में बड़े बड़े भटूरे मिलते हैं ना, वैसे ही हम बना रहे हैं। आप चाहें तो बहुत छोटे छोटे भी बना सकते हैं। इस तरीके से लोई बना लीजिए, गोल गोल करते हुए रखते जाइए। ये लीजिए, मैंने सारी लोई बना ली है। अब इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा लीजिए, जैसे ये सूखे नहीं, और गीला कपड़ा लेकर इसके ऊपर ढक दीजिए। करीब आधा घंटा जरूर रखिए ढककर, इस तरीके से। अब चलिए चलते हैं पहले छोले बनाने। आज मैं जो छोले बनाने वाली हूँ, चना मसाला वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। लॉकडाउन चल रहा है, कई बार हमारे घर में है या नहीं है। नॉर्मल घर के मसालों से बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बताऊँगी कि कैसे हमने छोले भटूरे बनाने हैं। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को एक साथ मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। एक प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और बाकी मैंने गार्निश के लिए गोल गोल प्याज और अदरक और हरी मिर्च कर ली है। यहाँ जो मसाले ले रही हूँ, यहाँ देखिए, थोड़ा सा लिया है मैंने जीरा और थोड़ी सी ली है हींग। ये सादा नमक थोड़ा सा लिया है, थोड़ा मैंने छोले में डाल दिया था पहले से ही। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है एक छोटा चम्मच। आधा चम्मच लिया है काली मिर्च पाउडर, जिससे थोड़ा तीखापन आ जाए। आधा चम्मच लिया है काला नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। एक चम्मच लिया है गरम मसाला, एक टेबलस्पून लिया है जीरा पाउडर, दो टेबलस्पून लिया है धनिया पाउडर। अब यहाँ लिया है मैंने अमचूर पाउडर, क्योंकि हम आज चना मसाला वगैरह, छोले मसाला कुछ नहीं डाल रहे, अनारदाने वगैरह नहीं डाल रहे, जो डालने चाहिए कोई बात नहीं, हम डालेंगे अमचूर पाउडर जो हमारे घर में अक्सर होता है। यहाँ लिया है मैंने कसूरी मेथी, आपके पास भी हो तो उसे तवे पर सेक कर ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, जिसमें मैं करीब दो चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। सबसे पहले नॉर्मल जीरा और हींग डाल देंगे, इसे तड़कने देंगे। तड़कने के बाद जो कटा हुआ बारीक प्याज था उसे डाल देते हैं। इनकेस आप प्याज नहीं खाना पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, आप मत डालिए। ये देखिए, प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। ये देखिए, पिंक कलर का अच्छा प्याज भून लिया है। अब हम यहाँ डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आए। इसे भी हम साथ में प्याज के भून लेते हैं। अब ये टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को जो मैंने ग्राइंड किया था ना, वो मैं डाल रही हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ सादा नमक, जिससे टमाटर बहुत जल्दी पक जाए। इसे हम कवर कर लेते हैं, टमाटर को अच्छे से पकने देते हैं। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब डालेंगे इसमें मसाले जो बचे हुए हैं। करीब करीब सारे मसाले इसके अंदर डाल दीजिए। घर के कूटे मसाले हैं, उन्हीं का ही मैजिक है। घर में मसाले कैसे कूटे जाते हैं, कैसे बना के रखते हैं हम साल भर के लिए, महीने भर के लिए, तो वो मैंने रेसिपी डाली हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से मसाले बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अब इसमें डाल दीजिए छोले, लेकिन छोले में जो पानी था उसे मैंने अभी अलग कर दिया है। इन सबको मिक्स कर दीजिए। जो भटूरे के लिए छोले होते हैं वो थोड़े मैशी मैशी अच्छे लगते हैं। अभी यहाँ पर मैंने पानी को अलग रख दिया है। यहाँ मैंने कसूरी मेथी ली है, जिसे मैंने तवे पर सेक लिया था, उसे क्रश करके हाथों से डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मसालों में बहुत अच्छे से छोले भुन चुके हैं। अब डालेंगे वही पानी जो छोले वाला है। धीरे धीरे मिक्स करते जाइए और करीब सारा ही पानी इसमें लग जाएगा। अब इसे कवर कर दीजिए और स्लो गैस पर मसालों के साथ छोले को पकने दीजिए। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट छोले बन जाएंगे। अब चलते हैं, इस छोले को गैस से हटा देते हैं और इसका एक तड़का बना लेते हैं। वैसे जब आप घर में छोले खाओ तो ज़रूरी नहीं है इसमें एक अलग से तड़का देने का, लेकिन कभी कभी मन करता है ना कुछ अच्छा खाने का, डिफरेंट खाने का, तो वही टेस्ट आए तो थोड़ा देसी घी का एक चम्मच से तड़का ज़रूर दे दीजिए।
और प्याज, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर जो आपने काट के रखे हैं ना वो गार्निश कर दीजिए। बिल्कुल वही टेस्ट आना चाहिए मार्केट स्टाइल। हरे धनिया की गार्निश कर दीजिए। यहाँ मैंने जो शुद्ध घी डाला था उसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डालकर इसके ऊपर डाल देती हूँ। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही सुंदर सा ये छोले की डिश तैयार हो जाएगी। लीजिए, अब ज़रूरी नहीं आप इसे भटूरे के साथ ही खाएं। ये छोले आप राइस के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ भी खाएंगे ना, बहुत पसंद आएंगे। चलिए अब चलते हैं हम इसके भटूरे बनाने। भटूरे का जो मैदा है देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। खास भटूरे को इसी तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं कि ये भटूरे का आटा बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी कि ये लोग जब बेलते हैं कभी भी ये लोग मैदा यूज़ नहीं करते, ये लोग ऑयल से ही बेलते जाते हैं। और मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए, इसे बेलते जाइए बिना मैदा लगाए। लंबा चौड़ा जैसा भी हो आप बेल लीजिए। अब आप 100% छोले भटूरे बढ़िया घर में बना सकेंगे। आपको सबसे ज्यादा छोले भटूरे कहाँ के बेहद पसंद आते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए बिल्कुल बलून की तरह फूलेगा भटूरा, और बिल्कुल जो हमें मार्केट में मिलता है वैसा ही भटूरा आपको मिलेगा। ये देखिए, इसे देखते ही आप समझ जाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल गद्देदार सा भटूरा वही बनकर तैयार हुआ है। इसे निकालिए और प्लेट में आप सर्व जिसमें करेंगे। ये देखिए मैंने सैलेड लगाया है, अचार लगा दिया है और छोले लगाए हैं। वही टेस्ट आना चाहिए, वही फीलिंग आनी चाहिए बिल्कुल हमें मार्केट स्टाइल। इसी तरीके से हम सारे भटूरे बना लेते हैं, फटाफट से बना लेंगे। और फिर मुझे आपको इंस्टेंट भटूरे भी तो दिखाने हैं, वो कैसे बनाने वाले हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल भटूरे। यहाँ मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल खमीरी भटूरे जो अंदर तक बिल्कुल जो एयर पॉकेट्स हैं ना और सॉफ्ट बहुत होंगे, बिल्कुल गद्दे जैसे मोटे मोटे भटूरे होंगे और ये ड्राई नहीं होंगे। खास बात ये है जो हमने आटे को पटका है ना उसमें जो मल्ली लगी है उससे आपके भटूरे बहुत ही सुपर सॉफ्ट रहेंगे। अब चलते हैं हम फटाफट इंस्टेंट वाले कैसे भटूरे बनाएं। ये देखिए मैंने एक कप ले लिया है मैदा, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब इसमें एक चम्मच ऑयल डालना चाहें तो डालें, वो भी नहीं डालना चाहें तो ना डालें। यहाँ एक मैजिक देखिए, ये देखिए मेरे पास क्लब सोडा है, किसी भी कंपनी की क्लब सोडा होती है, बस उससे गूंथ लीजिए। नापने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमें पानी यूज़ होता है ना बस इस क्लब सोडा से गूंथ लीजिए। अगर आपके पास क्लब सोडा भी ना हो तो आपको एक तरीका मैं और भी बताती हूँ। आपको करना क्या होगा, आधा कप पानी ले लीजिए एक कप मैदे के लिए, उसमें एक इनो का सैशे डाल दीजिए। पहले वो आधा कप इसमें डाल दीजिए, बाकी जितना पानी लगे सादे पानी से गूंथ लीजिए। लेकिन अभी तो मैं क्लब सोडा से गूंथ रही हूँ, जितना जितना मुझे लग रहा है सॉफ्ट सा आटा गूंथ रही हूँ बस। ये बहुत ही हल्के भटूरे बनते हैं, ये भारी नहीं होते हैं, ये पूड़ी की तरह बहुत ही हल्के। इसे हमें 5 मिनट भी नहीं रखना है, बस फटाफट कढ़ाई रखनी है और आटा गूंथना, और फूलेंगे भी ये गुब्बारे की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्लब सोडा को फ्रिज वाला नहीं यूज़ करना है, रूम टेम्परेचर वाला लेना है। इसमें कोई नाप तौल नहीं है, जितनी हमें पानी लगता है उतना ही मैंने क्लब सोडा ले लिया है। ये देखिए आप चाहें तो इसे भी पटकिए, पर अभी मैं पटक भी नहीं रही, सिंपल सा बस गूंथ के जैसे नॉर्मल हम बेलते हैं ना वैसे ही ले रही हूँ। फटाफट से लीजिए, चाहे ऑयल लगाइए चाहे मैदा लगाइए, अभी तो मैं मैदा ही लगा रही हूँ और इसे बेल रही हूँ और बहुत छोटे छोटे भी बना रही हूँ। यूँ समझिए वो हलवाई स्टाइल है, ये घर के स्टाइल के हैं, आपको जो अच्छे लगे आप वो बनाइए। हलवाइयों के पास भी जब वे लोग छोले भटूरे बनाते हैं कई बार कम पड़ जाते हैं ना आटा, तो ये लोग भी ऐसे ही इंस्टेंट भटूरे बनाते हैं।
आप बड़े भी बना सकते हैं, मैंने अभी छोटे ही बनाए हैं। इसे फटाफट से हम फ्राई भी कर लेते हैं। इसे भी इस तरीके से फुलाइए, बहुत ही बढ़िया बलून की तरह ये फूलेंगे। फूलने में कोई कमी नहीं रहेगी, ये देखिए। बस ये थोड़े हल्के बनते हैं, वो थोड़े हैवी से लगते हैं मार्केट स्टाइल, ये थोड़े हल्के लगते हैं। बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं बनेंगे, ना वो भटूरे ऑयली बनेंगे ना ये। इसी स्टाइल से बनाइएगा। इसे भी इसी तरीके से छोले, अचार और सैलेड के साथ सर्व कीजिए। तो देखिए आपको कैसे लगे ये भटूरे, कौन से स्टाइल वाला भटूरा पसंद आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे भी हम सर्व करते हैं और मैं आपको इसे भी तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनते हैं, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये भी भटूरे, बिल्कुल भी ये कड़क नहीं होते हैं। बस ये थोड़े पतले हैं और हल्के हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।